विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जैसे ही याद आएगा अब मैं कौन हूँ, तो आप तुरंत अनुभव पर पहुंच जाओगे। फिर कैसे देखोगे, देखोगे समस्या सुलझगी। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, सभी विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर जीव के कल्याण के लिए प्रार्थना करें, दिल से करें। इस वक्त आप उच्च चेतना में समझ के साथ बैठे हुए हैं, इस भाव में बैठे हैं कि आपके तप का बल, आपकी समझ का बल, आपकी प्रार्थना का बल सबको मदद करे, आपके भाव शुद्ध रहें। हर मनुष्य के भाव शुद्ध हो जाए तो संसार कैसा होगा। ऐसी शुद्ध लाइट, शुद्ध प्रकाश, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मगर वह प्रकाश अपने आप में अखंड है, जो हर जीव पर छा सकता है, उसे निर्मल बना सकता है, उसे स्वस्थ बना सकता है। ऐसा प्रकाश सब तक उतरे, सब पर छा जाए, हर सेल में, जीव के शरीर में वह फैल जाए, जिससे नकारात्मकता समाप्त हो जाए, रोग समाप्त हो जाए, विकार दूर हो जाए, पैटर्न्स समाप्त हो जाए। ऐसा हो रहा है, ऐसा दृश्य अपने मन में देखें। शुभ्र प्रकाश पूरे ग्लोब पर छा रहा है, सभी प्रकाश पाकर आनंद में झूम रहे हैं। पृथ्वी पर ही स्वर्ग का आनंद लहरों में महसूस कर रहे हैं, अपनी तरंगों में महसूस कर रहे हैं। आप भी झूम रहे हैं, आप भी आनंदित हैं। यह प्रकाश अपना काम कर रहा है, आप आभारी हैं, आप दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रकाश में सभी मुक्ति का आनंद ले रहे हैं, यह आनंद बढ़ता रहे, सब पर फैलता रहे, सभी इसी आनंद में अभिव्यक्ति करें, अपना कर्म करें, पृथ्वी को भी अपने शरीर की तरह स्वर्ग बनाएं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
सभी आशावादी विचारों से भर गए हैं। आशा की उड़ान में उनके लिए, हर जीव के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सभी अपने अपने शरीर की योग्यता अनुसार उड़ान भर रहे हैं और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। सभी संतुष्टि में आनंदित हैं, आज़ाद हैं। सभी अपने अंदर के भरपूर आनंद को अंतर्मन तक महसूस कर रहे हैं। सारी मान्यताएं विलीन हो रही हैं। हाथों में खुजली होने से पैसा आएगा जैसी मान्यताएं, आग फड़कने से अपशगुन होगा ऐसी मान्यताएं समाप्त हो गई हैं। बड़ी से बड़ी मान्यताएं, मैं शरीर हूँ, वह भी समाप्त हो रही है। सभी अपने स्वरूप को पहचान रहे हैं। उस स्वरूप में रहना सबको पसंद आ रहा है। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ, करती हूँ। इस भाव से सभी के लिए मंगल भावना प्रसारित करें। किरणें दुआ की सब जगह फैलाएं। आनंद आनंद का कारण, आनंद प्राप्त करने का रास्ता और आनंद प्राप्त की हुई अवस्था में सब बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हुए विश्व को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ। ऐसे भाव में जहाँ किसी भी तरह के दर्द का दुख नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कुछ संकेत हैं, लोग संकेत पकड़कर अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा युग शुरू हुआ है, यह युग कल्याणकारी बने। अपने शब्दों में इन बातों को दोहराएं, विजुलाइज करें। जैसे भाव हैं इस वक्त, वैसे करते रहें। Thank you.
अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल सभी के कल्याण के लिए अर्पित करें। मुद्रा में यह अर्पण, ये तपर्पण सब तक पहुंचे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, स्माइल प्लीज नाउ। कैमरामैन फोटो निकालने से पहले कहता है स्माइल प्लीज, शशि बाद में कहते हैं फोटो निकलने के बाद, क्योंकि फोटो निकल गया तो आपका रोल समाप्त हुआ, अब हंस सकते हैं। वरना फोटो खिंचवाते वक्त लोग रोल में होते हैं कि फोटो कहीं लगाना है, चिपकाना है, किसी को दिखाना है, लड़की वालों को, लड़के वालों को, नौकरी के लिए। तो स्माइल कब आएगी, असली स्माइल कब आएगी, रोल में या रोल से बाहर आकर असली स्माइल कौन सी होगी? आप जब किसी भी सीन में हो और अपने आप से पूछते हो, हु एम आई नाउ? चलो कुछ देर पहले कौन थे, कुछ देर पहले एक अकड़ू इंसान थे, कुछ देर पहले एक परेशान इंसान थे, कुछ देर पहले एक बोर इंसान थे, कुछ देर पहले कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी, कुछ देर पहले गुस्से में थे, कुछ देर पहले अहंकार का दर्शन हो रहा था, कुछ देर पहले कंपैरिजन कर रहे थे, कुछ देर पहले, मगर अब कौन हो? तो कुछ देर पहले मैं ये था, अब कौन हूं? जैसे ही याद आएगा अब मैं कौन हूं, तो आप तुरंत अनुभव पर पहुंच जाओगे। फिर कैसे देखोगे? देखोगे समस्या सुलझगी। देखो फाइनल टूल जब तक लोग नहीं समझते हैं तब तक वे बाकी टूल्स में लगे रहते, बाकी टेक्निक्स के द्वारा खुद को संभालते रहते हैं, कुछ तो करते करते अपना जीवन समाप्त करते हैं, 80 साल 100 साल। फिर जो तकनीक काम में आती, जो फार्मूला काम में आती, उसी को ही रिपीट करते रहते सभी के साथ। जब तक फाइनल टूल नहीं मिला, जब तक फाइनल टूल की कन्वेक्शन नहीं हुई, तब तक वो सब चीज़ें ठीक है। मगर जब फाइनल टूल मिल जाए, FT मिल जाए, फाइनल टूल, तो फिर हमें उसका उपयोग सीखना होगा, आदत डालनी होगी। ध्यान में आप आदत डाल रहे होते, ध्यान में आप क्या कर रहे होते? ध्यान में आप ध्यान कर रहे हैं कि दिन भर ध्यान कर पाए उसकी आदत डाल रहे? ध्यान में क्या कर रहे? ध्यान में आप पूरा दिन ध्यान में रह पाए इसकी आदत डाल रहे, इसलिए वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अब तक आपने उल्टा समझा था, अभी ध्यान किया, अभी दिन भर ध्यान नहीं किया। हु एम आई नाउ, अब मैं कौन? कुछ देर पहले जो भी था, स्त्री था, पुरुष था, हिंदू था, मुसलमान था, काला था, गोरा था, लंबा था, ठिंगना था, कुछ देर पहले बोल रहे थे ना, अरे ये ड्रेस मुझको सूट नहीं होती है। हु एम आई नाउ? मेरी हाइट उतनी है नहीं, मेरा हाथ पहुंचता नहीं है, तो ठीक है पहले ठिंगने थे, अब हु एम आई नाउ? हर अड़चन के साथ, देखो जो नाटे होते हैं उनको अपनी अड़चने आती, जो लंबे होते हैं उनको अपनी अड़चने आती है, अलग अलग सिचुएशन में। जो हिंदू होते हैं उनको अलग अड़चने आती, जो मुसलमान होते हैं उनको अलग अड़चने आती है,
जैसे ही भूले खुद को याद दिलाया हुए मैं नाउ, चलो ठीक है उसकी चिंता मत करो क्यों भूल गया मैं, क्यों इस तरह की पंक्तियां बोलने लग गया, मैं तो परेशान हो गया हूं सबसे, एक सेकंड पहले कह रहे थे, अच्छा ठीक है हुए मैं नाउ। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।